अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से उनकी कथित गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में चली जांच के दौरान रिया को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कुछ दिन जेल में बिताए तो वहीं सोशल मीडिया पर भी लोग उन्हें खूब खरी खोटी सुना रहे थे। लंबे समय से रिया ने अपने सोशल मीडिया से कोई पोस्ट साझा नहीं की थी, लेकिन अब रिया सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गई हैं और उन्होंने फिर से एक पोस्ट साझा किया है। इंस्टाग्राम अकाउंट पर उन्होंने अपनी फोटो शेयर की है, जिसमें वो रविंद्रनाथ टैगोर की मशहूर किताब गीतांजलि को पढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक्ट्रेस रिया इस फोटो में पीले रंग का कुर्ता पहने हुए काफी सिंपल लुक में नजर आ रही हैं। रिया चक्रवर्ती ने इंस्टाग्राम पर इस तस्वीर को शेयर करते हुए किताब की कुछ लाइनें भी लिखी हैं। एक सवाल और एक अफसोस, ओह और कहां, हजारों दराजों के आंसू में पिघल गए और आश्वासन की बाढ़ में दुनिया को ले लिया कि मैं हूं रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि। रिया की इस पोस्ट पर उनकी करीबी दोस्त शिबानी ढांगर और सिद्धार्थ कपूर ने कमेंट किया है। वर्क फ्रंट की बात करें तो रिया चक्रवर्ती फिल्म चेहरे में नजर आएंगी। फिल्म में महानायक अमिताभ बच्चन, इमरान हाशमी, अनु कपूर, रघुवीर यादव लीड रोल में होंगे। फिल्म का निर्देशन रूमी जाफरी कर रहे हैं। इसी तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ समाचार नगरी में।